आईबीए सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट में, तो हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन देते हैं। सो इसमें ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं जो कि हम ऑफर करते हैं। राइट नाउ ये जो प्रोग्राम है ये ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जिसमें पूरे पाकिस्तान से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, चारों प्रोविंसेस हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर से भी, तो पूरे पाकिस्तान, इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमारे। जो हमारी आईबीए जो कराची है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं? नो नो, आईबीए कराची का ये सेंटर है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है। यस यस, वी आर पार्ट ऑफ आईबीए एंड आईबीए में हमारा सेंटर है एंड ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ आईबीए वी आर गिविंग दिस एजुकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और उसमें फिर हमारा करिकुलम है और सारी चीजें। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में राइट नाउ 13 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। तो अभी ये जो हम तकरीबन 10 साल की ये वर्चुअल स्टडीज हैं वो कर रहे हैं, वर्चुअल स्टडीज। नो, इससे पहले ऐसा था कि आईबीए कराची में ही हमारा सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट है मेन कैंपस में। वो तो आपका ऑलरेडी एक सेंटर वहां मौजूद है, आजकल बिकॉज ऑफ कोविड। यस यस, आप इस योर राइट, अब हम डिजिटल आ गए। तो मतलब आपका जो जिस तरह आप डिजिटल काम कर रहे हैं इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसमें आ चुके हैं और ये हमारा सेकंड एडिशन है। इससे पहले एक प्रोग्राम इस तरह का हम डिजिटली कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड। उसमें तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, इस मर्तबा जो ये आपका कोर्स है तो ये फिर सेकंड कोर्स हुआ? यस, दिस इज सेकंड कोर्स और मेनली इसमें जो पूरे पाकिस्तान में। यस, सेकंड बैच। यस, यू आर राइट। तो जो फर्स्ट बैच था उसमें कितने लोग थे? उसमें वर्ल्ड वाइड था, उसमें पार्टिसिपेंट्स तकरीबन 4000 थे, उसमें ये था वर्ल्ड वाइड था। तो इसमें फिर हमने ये किया कि नेशनल इसको हमने किया है, पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को हमने सेलेक्ट किए। और इसमें ये होता है कि हम पैशन को चेक करते हैं, डेडिकेशन को चेक करते हैं, और कोई बंदा भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, रेस, रिलीजन, किसी भी, वो आ सकता है इस कोर्स में। इसका पीरियड कितना है? इस कोर्स का जो हमने ड्यूरेशन रखा है इट्स ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, 8 वीक्स है। और इसमें ऐसा है कि इसमें आईबीए की फैकल्टी है जो पढ़ा रही है, गेस्ट स्पीकर सेशन है। यस, और इसमें इनको ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और उसके थ्रू भी इनको हम डिफरेंट गेस्ट स्पीकर्स के थ्रू, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू और आपस में जो है नेटवर्किंग के थ्रू हम चाहते हैं कि इनको अपॉर्चुनिटीज मिले और पूरे पाकिस्तान के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सो अभी राइट नाउ वी आर लाइक 38-39 पार्टिसिपेंट्स हैं। हो जाए 2-4 मिनट आपके, शायद कुरैशी साहब अभी आ गए। अब्दुल्ला साहब फैकल्टी के मेंबर के मुंह जरा उनका बता दीजिएगा। सर आ चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शायद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तो ट्रैवलिंग कर रहा था इसलिए थोड़ा सा मैंने नो इट्स नो इशू डॉक्टर साहब, मैं आपको खसूसी तौर पर सलाम पेश करता हूँ जी। मेरी आपसे एक मुलाकात है डॉक्टर साहब कराची में जी। माशाल्लाह मैं जानता हूँ थोड़ा सा आपका जी, माशाल्लाह आपके बड़े मुरीद हैं हर तरफ कराची में कारोबार करने वाले, आईबीए के बहुत से स्टूडेंट आपके मुरीद हैं जनाब। ओ अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत मेहरबानी सर, आपने टाइम निकाला और आप जैसे हजरात और बुजुर्ग हमारी हौसला अफजाई का जरिया बनते हैं। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू स्विच ऑन देयर कैमरास ताकि हमारे मोहतरम मेहमान यानी गरामी आपको देख भी सकेंगे। बस सर ये जनाब मोहतरम अतीक साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे सर, अल्लाह ताला आपको रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और हम ये अल्लाह ताला ने करम किया हमें ये रास्ता दिखाया। सर आम तौर पर ये जो काम हम करने गए हैं ये तकरीबन आपके ख्याल में मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ये जो पूरी एक्सरसाइज नेशन वाइड हुई है यानी हम तकरीबन 7-8 हज़ार लोगों तक पहुँच गए हैं, यानी इस वक्त 4-5 हज़ार लोगों तक इन 3-4 महीनों में पहुंचे हैं। इसमें सर पैसे पता कितने पैसे खर्च हुए सर जी, यानी 4-5 हज़ार लोगों को 50 घंटे का कोर्स कराना। अगर वो हमजा जरा वो मेरी मेहमान बन के आने के ला दो यार बैग से उधर पड़ा है। उसमें सर अतीक साहब उसमें सर काम करने के 2 तरीके हैं जी। मैं चूंकि इंजीनियर भी हूँ, दाऊद कॉलेज में भी मेरा दाखिला हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स में 1982 में, फैसलाबाद से वैसे मेरा ताल्लुक है और वालदैन तो इमिग्रेटेड हैं वहाँ से ईस्ट पंजाब से। और उसमें सर ये है कि फिर एमएससी इंजीनियरिंग थाईलैंड से की, लंग से एमबीए किया, जर्मनी से पीएचडी की। लेकिन ये जितने भी इल्म है ना हमारे मोहतरम अतीक साहब, सारा का सारा इल्म ये अनफॉर्चुनेटली इसमें एक मसला है। इस इल्म में मसला ये है, इसमें लंग्स, आईबीए, हार्वर्ड, एमआईटी, जर्मनी सब शामिल हैं। इस इल्म में एक मसला ये है अतीक भाई, वो ये है
ये इल्म ये सिखाता है कि पहले असबाब होगी, प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी होगी, फंडिंग होगी, बजट होगा, बंदे होंगे, दफ्तर होगी, गाड़ी होगी, लैपटॉप होगा, उसके बाद काम करें। यानी पहले असबाब इकट्ठे करो, उस पर साल साल लगाओ, अप्रूवल्स लो, फिर काम करो। ये जो तरीका है ना काम करने का, ये 100 सालों से पढ़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में। 100 साल पहले नहीं था ये तरीका। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, MBA PhD सारे ये पढ़ा रहे हैं। तो ये जो 2000 सन में एक पागल खातून ने जो अमेरिका में थी, उन्होंने एक नारा मस्ताना बुलंद कर दिया जी। उन्होंने कहा, कह रहे अमेरिका भर की यूनिवर्सिटियों के जामियात के अरे जामियात के वाइस चांसलर हो, ये जो तुम्हारा इल्म है ना, इस सारे का सारा मकसूद ये है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को कैसे चलाया जाए, ऐसे इंसान बनाना जो 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 चलती हुई कारोबारी इदारों को चला सके, एंड विच कैन बी ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग मशीन। एक छोटी एक बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा बनाएगी दाऊद और यानिडी और जामिया कराची और सिंध यूनिवर्सिटी और लाहौर पंजाब, और ये इनको नहीं मैं कह रहा, पूरी दुनिया को वो कह रहे हैं, हार्वर्ड और इंसियाड, लंदन बिजनेस स्कूल। ये मैं नहीं कह रहा सर, मैंने रहना है कराची में, मतलब तो मैंने IBM में भी रहना है, तो मेरी जरूरत ही नहीं कहने। तो वो सर उस कानून ने नारा मस्ताना बुलंद किया और उसने एक थ्योरी पेश की जिस थ्योरी का नाम है इफेक्चुएशन। उसने कहा कि दुनिया में कोई इंसान गरीब नहीं है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं जिसको अल्लाह ने पैदा कर देते हैं वो नबीना भी हो ना सर, चमगादड़ भी तो नबीना होती है ना सर, इंडस डॉल्फिन भी तो नबीना होती है ना सर, एक मुर्गी भी पर तो है उड़ नहीं सकती, उसको माजूर नहीं कहेंगे सर। अरे उस नाबीनापन के अंदर ही हिकमत छुपी हुई है, उस मुर्गी के अंदर ही हिकमत छुपी हुई है। तो सरस्वती ने ये थ्योरी पेश की और उसने कहा कि अरे इस वॉट और वीकनेसेस मत देखो, उसी हिकमत के अंदर एक समुंदर छुपा हुआ है। उसने कहा दुनिया में हर इंसान अरब पत्ती है, मसला उसके सोचने के अंदाज का है। तो ये मेरी PhD इस मौजू में है। मेरी PhD का मौजू, उसको उर्दू में कहेंगे मेमन पन, चिन्योटी पन, मेमन पन ये कहते हैं। मेमन पन की तारीफ अतीक साहब ये है, मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग। मेमन, मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग। ये जो भी जामियात इस वक्त पाकिस्तान की बात कह रही हैं, हम उसके उल्ट बात कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कह रहे हैं अरे पैसे से, वो कह रहे हैं पैसे से बनेगा और डिग्री से बनेगा और असबाब से बनेगा। हम कहते हैं अल्लाह के बंदो, इकबाल जे कहते थे, सर मैं नहीं कहता, इकबाल जे कहते थे, एक फख्र है जो सिखाता है मिस्कीनी और दिलगीरी, एक फख्र है जो सिखाता है मिस्कीनी और दिलगीरी, एक फख्र है जो सिखाता है जहांवानी। अरे ये पैसों का मसला नहीं है, ये सोच का मसला है, ये माइंडसेट का मसला है और ये अमल और जद्दोजहद का मसला है। जो लोग असबाब ड्रिवन हो, ये मैं अर्ज की जरूरत आपसे अर्ज करने की कह रहा हूँ सर, ये हमारे पार्लियामेंट वालों को भी ये सीखना है, पॉलिटिशियंस को भी इफेक्चुएशन थ्योरी सीखनी है, हमारे गवर्नर साहब तक भी ये पहुंचानी है। और हमें यानी यकीन जाने मेमनपन की जो सोच, ये सर ये मेरे पास ऐनक है, ये वाली मेमनपन की ऐनक है सर, मेमन लेंस। ये एक एक साइकिल को भी इम्पोर्टेंट समझता है, 100 रुपये को भी इम्पोर्टेंट समझता है, पुरानी सिलाई मशीन भी इम्पोर्टेंट है, एक एक हमसायों को सलाम करना भी इम्पोर्टेंट है, दादाबू के पाँव दबाना भी इम्पोर्टेंट है। इस ऐनक जो दूसरी ऐनक है ना, वो मेरे पास इस वक्त टूट गई, उसके आगे पर्दे लगे हुए घोड़े की तरह, वो घोड़े के पर्दे होते थे ना सर, वो जब टांगा चलता था वो पर्दे लगते हैं। ये हार्डवर्ड वाले 1.5 करोड़ रुपए में ये पर्दा लगाते हैं, लाहौर में पाकिस्तान के लिए नहीं लगा सकते फिर भी, लाहौर में 40 लाख में लगता है सर, कराची में भी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख में पर्दा लगता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज वाले। जब पर्दा लग जाता है ना, ये बच्चे आपके पीछे पीछे फिरेंगे कि मियां साहब नौकरी, अतीक साहब नौकरी, ये सारी जिंदगी आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे सर, ये ऐनक वाले। तो हमारा ये कोर्स अल्लाह के फजल से, मैं दावा नहीं करता, हमारा ये कोर्स जो अल्लाह ने दिया हमें, हम दावा नहीं करते। और ये इकबाल ड्रिवन है, वो ये सिखाता है कि जनाब खुदी में डूब कर अजमो हिम्मत वालों ने,
खुद ही में डूब कर अजम हिम्मत वालों ने इस आबजू से किए बहरे बेकराम पैदा छोटी सी नदी। तो मैं अभी तकरीर खत्म करता हूँ क्योंकि तकरीर आपने कर दी। मुझे सिर्फ आपकी एक बात मालूम करनी थी, आपने कहा हमने 7 से 8 हजार बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई, 2 बैचेस हमने किए, उसके ऊपर आप बताने लगे थे कि हमारा खर्चा बहुत कम आया, जरा बता दीजिए फॉर माई नॉलेज। 2 लाख रुपए सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं। कहते हैं ना, अगर यही काम मैं कहूं, यही काम अगर आईबीए के नॉर्मल आदमियों को कहते हैं तो इंशाल्लाह 10 करोड़ से कम नहीं मांगना था उन्होंने। आप चलते हैं जी, इसको भाई को देते हैं कि प्रोग्राम शुरू करे, देन यू आस्क मी, अगर आपने कंडक्ट करना है तो आप शुरू कीजिए। नहीं सर, नहीं नहीं, मैं खामोश हो गया हूँ। हम सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। इस वक्त ये पागल लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है जिसमें हर एज के लोग हैं, कराची, लाहौर, मालाकंड, मुल्तान, फैसलाबाद, खुशदार, पंजगोर, फैसल, यानी इस वक्त वी हैव लाइक 76 पीपल जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अपने अपने बेटों तस्वीर ऑन कर दो और आप जहां पर इनके 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 नाम से पता चल जाएगा कि एजेके से सिंध से, एजेके से मुल्तान, गिलगत, बल्तिस्तान कहां कहां से। और हम इस वक्त ये समझते हैं कि अतीक साहब भी हमारे हीरो हैं। हर वो आदमी जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि आप चूंकि कारोबारी भी हैं तो आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी सर, आ रही है आवाज। तो अतीक साहब, इस वक्त हम आपको दावत इसलिए दी है, एक तो हम ये समझ रहे थे कि हमारा पैगाम आप तक पहुंचे, नंबर वन, और असल चीज ये है कि 50 मिनट हम आपकी सुनना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के नौजवानों को आपकी क्या तवक्कुआत है एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द सेनेट, क्या तवक्कुआत है, आपका पैगाम क्या है, और क्या आप भी मेमन पन की ऐनक पे बिलीव करते हैं सर? आपकी अपनी जिंदगी तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमें सर? ओवर टू यू सर। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी बातें शुरू में कर दी। मैं अपनी बात सबसे पहले शुरू करूंगा, I am proud to be a self-made man and a practical Muslim. MashaAllah. Sir, यही मेरी जिंदगी है। मैंने I was born in Dubai because मेरे वालिद मुलाजमत की गरज से दुबई गए 1957 में। जब 5 दिन लगते थे लॉन्च पर बैठकर वहां जाने में, और कुछ लोग समुंदर को प्यारे हो जाते थे जी, क्योंकि जिस वक्त में वो छल आती थी बकौल वालिद साहब के, क्योंकि लॉन्च बहुत छोटी होती थी लेकिन उसमें 400-500 लोग होते थे भरे हुए, उस वक्त में मेरे वालिद गए, यानी कि वो जिंदगी को हाथ पे रख कर, दाव पर लगाकर तीसरी जनरेशन के लिए बेहतरी के लिए गए। तो पहले मैं रिजल्ट पे शुरू हूंगा, फिर मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि ये लोग आपको रिजल्ट बाद में बताते हैं, मैं रिजल्ट पहले बताऊंगा। सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं कि मैं एक मजदूर बाप का मजदूर बेटा हूं। दिस इज अनदर थिंग दैट आई एम आल्सो अ बिलियनर, बट मैं जहनी तौर पर आज भी अल्लाह का खौफ, मरने के बाद का इम्तहान, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह माफ करे, उन चीजों को सामने रखते हुए ज़हनी तौर पर मैं समझता हूं कि मैं आज भी एक मुफलिस इंसान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। बट मेरी जो आगे मेरे वालिद साहब की जो थर्ड जनरेशन है, उनके ग्रैंड किड्स हैं, दे आर नॉट दैट। तो ये जो बच्चे बच्चियां मेरे सामने बैठी हैं, टू स्टार्ट विद बेटा, मैं ये कहता हूं कि जिसने गरीबी नहीं देखी वो गरीब का दर्द क्या जानेगा। और ये जो मेरे पीछे पार्लियामेंट है जिसमें मुझे अल्लाह ने राउंड द क्लॉक बिठा दिया है, अब मेरे लिए कोई फर्क नहीं है मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठूं या पार्लियामेंट के बाहर बैठूं, बिकॉज मेरी आवाज उन गूंगे बहरे पार्लियामेंटेरियन से बहुत ज्यादा है
जो सही जगह तक पहुंचती है, थैंक्स टू अल्लाह। सो सर मैं आई वॉज बॉर्न इन दुबई, उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस 65 वॉर हम लोग शिफ्ट हो गए, वी केम टू रावलपिंडी। देन माई ब्रॉट अप, मेरा स्कूलिंग, मेरा कॉलेज रावलपिंडी से। उसके बाद मैं स्कूल में ही था तो 8th क्लास से मैंने अपने प्रोफेशन का आगाज किया। राजा बाजार की एक छोटी सी दुकान जिस पे ये बक्से पेटियां बिकते थे, उस पर एज अ सेल्स बॉय, एंड दिस वाज 1977। जैसा कि अभी आपने फरमाया, 1979 में मैट्रिक के बाद, मैट्रिक की छुट्टियों में मैं कराची गया, कराची मोतनदास मार्केट और सरिया गली, जहां पर यह चादर का काम होता है, उस वक्त भी होता था, अभी भी है, वहां से मैंने अपना ये जरा बेहतरी का काम शुरू किया। वक्त गुजरता रहा, 1981 में मैं पहली दफा ऑल अलोन जापान गया। दैट वाज फर्स्ट टाइम एवर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 40 इयर्स बैक, जब जापान में कोई बंदा इंग्लिश बोलने को ऐसा समझता था कि आप उससे लड़ाई कर लें लेकिन इंग्लिश ना बोले। दिस वॉज द सिचुएशन एट दैट टाइम। लेकिन मैं गया, अल्लाह के आसरे पे खुदा ने मेरी मदद की, वी बिकम द फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ आयरन शीट इन रावलपिंडी। ना तो उस वक्त में गूगल सर्चिंग थी, ना ही कोई वो बात जैसे अभी आपने की, लेकिन फिर भी हमने हर चीज का रास्ता निकाला। जैसे कैसे मैं कुछ एक्सपोर्टर्स तक पहुंचा, एक दो फैक्ट्रियों में, अल्लाह ने मदद की। आई एम ए ट्रू बिलीवर ऑफ अल्लाह। अभी आपने फरमाया हमारा मुल्क बनाने वाले सही मानों में 4 से 5 लोग हैं, बाकी तो सारी उनकी ताकत थी, बाकी सारे उनके साथ चलने वाले थे। मैं ये समझता हूं कि जब 4-5 लोग मिलकर पूरा मुल्क बना सकते हैं तो एक बंदा अकेला रास्ते पर चलकर अगर उसका रास्ता सही है तो सब कुछ हासिल कर सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, नियत ठीक है, अल्लाह की मदद हो। खैर सर, जब इंपोर्ट करने लगे तो 2-1 साल इंपोर्ट करने के बाद अर्ली 80s में One fine evening, I was sitting at my shop. तो मुझे एहसास हुआ कि फैक्ट्री ओनर की बहुत इज्जत है। ठीक, हम उधार में माल बेचते थे, पैसे भी मुश्किलों में मिलते थे। शाम को मैं वापस आया तो घर में हम बैठे हुए थे, सहन में घर के, जैसे पुराने घर थे हमारे, उसी तरह का रावलपिंडी के डाउनटाउन में हमारा घर था, आज भी है, गॉर्डन कॉलेज के सामने। तो मैंने आकर जब घर में ये कहा, रात को अबू भी बैठे थे, एक पंखा चल रहा था, बड़ा से चारपाई थी, उसी पर बैठकर हम लोग खाना खाते थे। आई एम दी ओनली सन, पहले तो मैं ये बता दूं, मेरे वालिद, उनकी कोई बहन नहीं थी, कोई भाई नहीं था। तो जब मैंने आकर ये आवाज लगाई कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो आप वाली बात, तो मेरे वालिद साहब सामने बैठे थे, वालदा ने मेरी तरफ देखना शुरू किया, बहनों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, खैर है। लेकिन मुझे उनकी तरफ देखकर मजीद मेरी आंखों में चमक आई, यार मैंने कोई अच्छी बात की है जो लोगों को समझ नहीं आई, घर वालों को खास तौर पर। अल्टीमेटली मैंने फिर अपना ये मिशन बना लिया कि मैंने फैक्ट्री लगानी है। उसी वक्त ही हमारी अम्मी ने यह कहा कि हम में से तो कभी किसी ने फैक्ट्री देखी नहीं, फैक्ट्री का पता नहीं, फैक्ट्री कैसे लगेगी। तो मेरा अगला जुमला था कि हमारा काम मेहनत करना है, अल्लाह का काम है। वो पंजाबी में एक है जी, बात मैं अक्सर करता हूं जी, माली दा कम पानी भरना, पानी पाना जी जी जी, पर पर मशका पावे, मौला दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे जी। दिस इज व्हाट इट इज।
बाद में मेरी सिर्फ एक वेरी सेकंड डे जब मैं निकलता था तो हमारी दादी बुजुर्ग, हमारे दादा शहीद हो गए थे ड्यूरिंग पार्टीशन, तो दादी ने सुबह सुबह मैं मिलता था, सलाम करता था, तो जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने प्यार दिया, तो मैंने कहा दादी दुआ करना मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। उसके बाद मैंने ये कहना शुरू कर दिया मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, और ये पता नहीं है मैं किस चीज की फैक्ट्री लगाऊंगा, ट्रस्ट मी, बस मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, क्योंकि फैक्ट्री वालों की बहुत इज्जत होती है। ठीक है, मैं फिर कहूंगा आज तक मैंने जिंदगी में कोई काम पैसों के लिए नहीं किया, कमाई जो है दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, दूध की बाय प्रोडक्ट जो है वो देसी घी है जो कीमती तरीन चीज है, तो मैंने शायद देसी घी के लिए भैंस नहीं पाली, मैंने वो कच्ची लस्सी छाछ जो है वो दूसरों को बांटने के लिए भैंस पाली। दिस वॉज माई मोटिव। माशाल्लाह, एंड आई एम वेरी क्लियर टू माई फीलिंग्स, खुदा की जात जानती है इस चीज में। खैर, जब मिड 80s में हमने फिर बात आगे चलने लगी, कौन सी फैक्ट्री लगाएं, कैसे लगाएं, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातों में, तो जैसे अभी आपने कहा कि जो आज की एंटरप्रेन्योरशिप है अगर हम उस पर जाते तो फिर हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, आईबीए, लम्स, स्टैनफोर्ड, उसी के लोग जो थे वो कामयाब होते। ऐसा नहीं है, मेरे रिसोर्सेज ना होने के बराबर थे, मुझे इल्म, जिसको इल्म कहते हैं, ना होने के बराबर था, लेकिन फिर भी चूंकि मेरी जुस्तजू, मेरी जद्दोजहद, मेरा मिशन वॉज वेरी क्लियर। खैर, दिन ब दिन चलते रहे, और फिर मैं थोड़ा सा क्विकली चलूंगा ताकि चीजें कवर कर सके टाइम में। आगे बढ़ते हुए प्लान किया, फैक्ट्री लगने लग गई, जैसे भी था हमने प्रोग्राम बना लिया, अगर कोई सवाल आएगा तो उस पर जवाब दे दिया। खुदा ने किया, हमने मशीनों का भी प्रोग्राम बन गया, मशीनें ले भी ली, सेकेंड हैंड मशीन ली, कुछ नहीं पता था। सो वी स्टार्टेड द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच वॉज टू प्रोड्यूस वुड पैनल्स चिप बोर्ड की फैक्ट्री लगाने के लिए। आवर प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 1987। Even we started the commercial production, I announced I will raise a group of companies. Again, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया कि अभी फैक्ट्री एक नहीं लगी है, ये कहता है मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज लगाऊंगा। मैंने कहा जिस अल्लाह ने एक लगाई है वही पांच फैक्ट्रियां भी मेरी लगाएगा, पांच कंपनियां भी होंगी। मैंने एक छोटा सा ऑफिस लिया था, उसके बाहर पांच कंपनियों का नाम लिखा और वहां पर लगा दिया। अब आते हैं सर एक चीज पर, जैसे आपने कहा वो खबर ना है पांटे कोई मेहमान है इनमें, एकड़ो मेहमान थियो एटा के रहे है आके आई बोले तो अजी साहब मेहमानी बोले तो के ना डॉक्टर साहब कोई बोले जनाब बोल के दिखाए भाई कराची वाले मेहमान है बच्चा मेहमान जो बच्चों तो गड़े होंगे बच्चा ले बाहर। सर मैंने 1979 में जब मैं गया तो वापस आया कराची से, तो मेरे वालिद साहब पूछते हैं क्या है, मैंने कहा अबू जी मुझे समझ नहीं आती ये मेमन ये कुरो कुरो करते हैं वहां पे, तो हंस के मुझे कहते हैं तो बेटा सीख ना, सीखेगा तो पता लगेगा। तो फिर मेमनी भी सीखी और मेमनों की आदतें भी सीखी। अच्छा, वाओ। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और एक स्टेज में आके मेमनों को पीछे भी छोड़ा, माशाल्लाह। ठीक है, यस, ये जो अपना हाजी याकूब साहब एआरवाई वाले, मेरी बड़ी उनसे न्याजमंदी थी, और वो अक्सर कहते होते थे ये पंजाब जो मेमन आवे हो है घणे वधारे मेमन है, वो कहते ये हमसे बड़ा मेमन है, ये पंजाब का मेमन है, ये पंजाबी मेमन है। दैट्स व्हाट, मैंने आपकी बात को तायीद की। बहरहाल चलते हैं आगे। सर जब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में कहा तो अगेन लोगों ने थोड़ा बहुत हंसना शुरू किया, बट हम चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता। 1994 में मेरे वालिद की डेथ हो गई,
then I become the only all alone, सिवाय अल्लाह के कोई साथ नहीं था. और हालात ये थे क्योंकि हम फैक्ट्री वाले तो थे ही नहीं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि फैक्ट्री चलेगी कैसे और क्या होगा क्या नहीं होगा. उस वक्त में ये पोजीशन थी कि अगर जो भी हमारे थोड़े बहुत एसेट थे वो बेच देते. हमने सिर्फ एक ही फैक्ट्री के लिए एक ही शुरू में लोन लिया था, और वो भी इसलिए कि अगर लोन ना लेते किसी को पार्टनर बनाते तो वालिद साहब ने कहा कि बैंक के जब पैसे होंगे हम पैसे दे देंगे, पार्टनर को फारिग करना बहुत मुश्किल है. दिस वॉज दी सोच एट दैट टाइम. वालिद साहब की डेथ के बाद हालात बहुत खराब थे. इट रिमाइंड्स मी, डॉक्टर साहब मुझे आज तक याद है, आज का मियां अतीक उस वक्त का तो ओए अतीक हुआ करता था. पीपल यूज टू से दिस थिंग बिकॉज टूटी हुई गाड़ी, थोड़ा सा कारोबार. यहां तो लोग लैंड क्रूजर के आगे भी एक वो अपना डाला हो और पीछे भी आगे पुलिस रेंजर का और पीछे पुलिस का, तो तब लोग मानते हैं. बट दैट वॉज अनदर फील्ड. सर काम करना शुरू किया अल्लाह की आस पे, डे एंड नाइट. इट टुक मी फ्यू मंथ्स टू टर्न अराउंड माई फैक्ट्री. देन आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. दिन रात मैं फैक्ट्री के अंदर रहता था. वहां पर मेरे सामने एक रात एक चीज आई अपने उसमें, अभी जो आपने फरमाया था उसके मुताबिक, कि जो जुनूनी लोग होते हैं वही बड़े काम करते हैं, वही लीडर्स होते हैं, वही ड्राइविंग फोर्स होते हैं, वही इंजन होते हैं, बाकी सारे फॉलोअर्स हैं, गाड़ी के डब्बे हैं, इंजन चल रहा है, डब्बे पीछे पीछे चलते जा रहे हैं. तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मसलों का हल मसलों के बीच में रह के उनसे लड़के है. सो प्रॉब्लम्स, द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज ऑलवेज विद इन द प्रॉब्लम्स. यू हैव टू फाइट द प्रॉब्लम्स व्हाइल लिविंग इन द प्रॉब्लम्स. अगर आप स्केप कर जाएंगे मसलों से तो वो मसले कभी भी हल नहीं होंगे. खैर सर 1998 के बाद सिचुएशन बदलने लग गई. मैंने प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट कर लिया और मैंने लोगों को प्रोफेशनली अपने साथ लगाना शुरू किया. वन मैन रूल था मेरा अपना, क्योंकि साथ कोई था ही नहीं. अच्छे डिसीजन बुरे डिसीजन खुद करने होते थे, लेकिन जिनको मैं कह देता था फिर उसमें काम में कोई कोताही मैं नहीं बर्दाश्त करता. दिस इज व्हाट आज तक मेरी मैनेजमेंट इज, और मैं अपने लिए भी वही फार्मूला लगाता हूं. जी सर मिड 90s में, सॉरी हाँ एंड 90s के बाद, यानी कि 98 में आकर पैसे जमा होने लग गए, काम ठीक होने लग गया. वही फैक्ट्री, एक फैक्ट्री थी उस वक्त में हमारी, उसको हमने टर्न अराउंड किया, ठीक तरीके से चलाया, गैजेट्स का यूज करने लगे, रिपोर्टिंग सिस्टम बेहतर की. अल्हम्दुलिल्लाह 98 तक फिर मैंने दूसरे प्रोजेक्ट लेने शुरू कर दिए. बाय 2003-04 पांच साल के अंदर अंदर हम 7 प्रोजेक्ट तक पहुंच गए. मेरी सोच ये थी कि मैं ज्यादा अच्छी फैक्ट्री दफ्तर में बैठ के चला सकता हूं, फ्लोर पर नहीं जाकर, बिकॉज मुझे ऑपरेटर नहीं बनना. ये मैं आपको एक सोच बता रहा हूं. जी. मैं दूसरों की बात सुनता था और फिर फैसला करता था, फैसला मेरा होता था सही या गलत. और 10 जगह पे मशवरा करने को मैं प्रेफर करता था, या जहां जहां भी मशवरा कर सकूं. फिर 2003-04 के बाद लाहौर में भी फैक्ट्रियां हो गई, कराची में भी कारोबार हो गया, हतार में, ऑन द पाइनियर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट नेक्स्ट टू इस्लामाबाद, दैट इज हतार इंडस्ट्रियल स्टेट, वहां पर मेरी 3 फैक्ट्रियां हो गई, चलने लग गई, अच्छा काम हो गया, अब बढ़ना शुरू कर दिया. अब मैंने अपनी फील्ड में इस दौरान वो फैक्ट्रियां लेनी शुरू की कि जिनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पार्टनर्स की प्रॉब्लम थी.
तो 2007-08 तक हमने 8 फैक्ट्रियां बना दी। 2009 में मैं बिजनेस पॉलिटिक्स में आया, 10 में मैंने इलेक्शन लड़ा रावलपिंडी चैंबर का, एंड आई हैव बीन इलेक्टेड एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रावलपिंडी चैंबर। देन आई परफॉर्म्ड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ रावलपिंडी चैंबर। माशाल्लाह, वाह वाह, दैट वाज माय कह लीजिए कि एफिलिएशन इन द बिजनेस पॉलिटिक्स। 2011 तक मैं प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद 2012 में शॉक हुआ, मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का कहा। अगेन जब मैंने कहा घर में कि मैं एमक्यूएन ज्वाइन करने आज जा रहा हूं, तो मेरे बेटे को सिर्फ पता था, आई फ्लो ओवर, मैं जग चला गया। जिस दिन ज्वाइन कर रहा था मैं, तो अच्छी तरह बात है, मेरी बेगम, मेरी सिस्टर्स, मेरी बेटी, वो रो रहे थे कि ये बाबा ने क्या काम किया, ये किधर चला गया है। आई सेड माई विजन इज वेरी क्लियर, माई डेडिकेशन इज देयर, आई विल परफॉर्म एंड आई कैन परफॉर्म मच बेटर इन दिस सेटअप, इन दिस पार्टी, बिकॉज ये वाहिद पार्टी है कि जो आम लोगों को, क्योंकि मेरे पास तो 50 वोट नहीं थे और मैं क्या करता, मेरा तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं था। सो 2012 में आई जॉइंड पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम एज नेशनल पॉलिटिकल पॉलिटिक्स। 2013 में इलेक्शन में मैंने इलेक्शन लड़ा, जो कि कोई प्लान नहीं था पार्टी के कहने के मुताबिक, जी। वो भी एक मजाक ही था एक किस्म का, लेकिन नेशनल असेंबली का इलेक्शन मैंने लड़ा एंड आई लर्न लॉट मेनी थिंग्स इन दैट। उसके बाद मैंने 2 साल परफॉर्म किया एज प्रेसिडेंट एमक्यूएम पंजाब, और वो भी एक अजीब दौर था। हमने मुख्तलिफ रंग से, मुख्तलिफ तरीके से, उसके बाद 2015 में मुझे मेरी पार्टी ने नॉमिनेट किया एंड आई बिकम फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री अपने लिए खास तौर पर किसी भी पॉलिटिकल ओहदे पर मैं आया, एंड आई हैव बीन इलेक्टेड एज द सेनेटर अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जब मैंने ओथ लेना था तो तब सर मैंने डॉक्टर साहब पहले दिन पार्लियामेंट को अंदर से देखा था, सेनेट को, उससे पहले मैंने कभी सेनेट नहीं देखी। खैर सर, जब मैं सेनेट में गया तो अब मैं कंक्लूड करूंगा, फिर मैं दूसरी चीज पर आऊंगा सर 8:30 बजे तक, के चंद हफ्तों के बाद हमारे एक बुजुर्ग हैं, अब तो खैर वो विसाल हो गया उनका, चंद महीने पहले, 2 महीने पहले, कोई 95-96 ईयर्स की एज में, तो मैं उस वक्त में जब गया तो उनके पास, 5 साल पहले जब मैं इलेक्ट हुआ तो ओथ वोथ लेकर सब कुछ, तो मुझे उन्होंने 2 चीजें पूछी। पहला ये कि सेनेटर बन गए, मैंने कहा जी मुबारक हो। बुजुर्ग हमारे काफी एजेड पीर साहब हैं, करोड़ों मुरीद हैं पूरी दुनिया में, जी जी, मैंने कहा जी हजरत साहब सेनेटर बन गया। उन्होंने कहा किसने बनाया, मैंने कहा जी अल्लाह ने बनाया, अब्रप्टली, बिकॉज मेरा बिलीव ही ये था, When Allah wants to give you something, no one can stop you. And if Allah is not going to give you or not approved by Allah, no one can give you anything. This should be the belief of a practical Muslim. Dusra sawal jisne meri zindagi ko badla, ek aur direction samne aayi. Unhone kaha, kyun bane ho senator? Main khamosh tha. कहने लगे कि 22 करोड़ लोगों में कितने सेनेटर होते हैं, मैंने कहा जी 103-104, अल्लाह ने आपको 104 लोगों में लेकर आए, तो आप तो और आगे जाओगे ना, पहले 5-7 लोगों में आ जाओगे, ये वो कह रहे हैं बुजुर्ग हमारे। मैंने कहा हजरत साहब ये 5-7 में कैसे आ जाऊंगा, उन्होंने कहा जितनी मेहनत करोगे उतना आगे आ जाओगे, ये पहली बात थी। उसके बाद उनका सवाल, उनका मरने के बाद, सॉरी ये क्यों बने हो सेनेटर, एक तो किसने बनाया वो तो हो गया, अल्लाह ने बनाया, क्यों बने हो,
डॉक्टर साहब मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं इधर उधर देखने लगा कि या अल्लाह मैंने तो ये सोचा ही नहीं, आज 3-4 महीने हो गए सेनेटर बने हुए, बना क्यों हूं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमारे मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ने दुनिया में आपको जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज मुकाम अता किया, ताकत अता की, चाहे वो जवानी हो, पैसा हो, खूबसूरती हो, ताकत हो, साइनिंग अथॉरिटी हो, बोलने की हो, बात कुछ भी हो, उसका हिसाब सबसे पहले होगा मरने के बाद। मेरी आंखें नम हो गई, मुझे कहते हैं बेटा अभी बहुत टाइम है, जाओ जाके ऐसे काम करो कि जब आप जा रहे हो तो मरते हुए आपके हाथ में हो, अपने आप से तो कम से कम मुतमईन हो। और वो दौलत नहीं हो सकती, वो तो आप लेके ही नहीं जा रहे, वो बिल्डिंगें नहीं हो सकती, वो एसेट्स नहीं हो सकते, बैंक बैलेंस नहीं हो सकते, कोई चीज आपके साथ नहीं जाती, सिर्फ एक चीज आपके साथ जाती है, वो है अच्छा अमल, और बिलखसूस वो जो आपने मखलूक खुदा के लिए किया। मेरा ईमान है इस बात पे कि डॉक्टर साहब आप दुनिया का कोई काम इस मोटिव से कर लें कि इसमें अल्लाह की मखलूक का ये फायदा है, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट। सवाल नहीं पैदा होता कि अल्लाह उस काम में बरकत ना डाले और आप सक्सीड। और जैसा मैंने कहा कि मनी इज द बाय प्रोडक्ट, उसी तरह सर मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। कौन सी कामयाब चीज है, कौन सा कामयाब कारोबार है जो आप करते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया तो उसमें पैसे नहीं होंगे। खैर सर, देन आई स्टार्टेड डूइंग वाकई में, और आज अल्लाह की मेहरबानी है, आई एम द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड अमंग द बोथ हाउसेस। मैंने रूल्स में और आईन में जो एक पार्लियामेंटेरियन कर सकता है वो सब चीजें की है सर। 38 प्राइवेट मेंबर बिल मेरे हैं। अच्छा, हजारों क्वेश्चन हैं मेरे, और 98% मेरी चीजें जो है वो आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए है, क्योंकि मैंने गुर्बत देखी है। आगे चलते हैं सर। आज सब लोग, अब मेरा अगर सवाल एक ही दफा ले लें आखिर में, मैं जी सर चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा आप करंट सिनेरियो पे आ जाए। ये तो हो गया कि मैंने मेरे जिंदगी कहां से शुरू हुई और कैसे कहां पहुंचा। अब आ जाते हैं सर, आप माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं कि COVID-19 फरवरी एंड में पाकिस्तान में केस डिटेक्ट होते हैं कोरोना के, मुझे चूंकि थोड़ा सा ज्यादा पता था इसलिए कि 3 शहरों में हमारे लोग हैं चाइना में, 2 में मेरे मैनेजर्स, मेरी मैनेजर हैं दोनों, कुछ बाहर भी है, तो मैं दुनिया से लिंक था, बिलखसूस वुहान से तो नहीं मगर 1-2 और शहर ऐसे हैं कि वहां पर भी सिचुएशन बड़ी जल्दी खराब हुई थी चाइना में, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड मंथ समटाइम मंथ में भी पिछले कई सालों से चाइना जा रहा हूं, मेरा काफी डीप रिलेशनशिप है वहां पे कारोबार के साथ, और हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहां से लाकर अपने काम किए। तो जब वहां पता लगा तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि मियां साहब लॉकडाउन हो रहा है, बड़े सीनियर ऑफिसर्स, दे आर द 3-स्टार इवन डॉक्टर, एक ही होता है उसमें तो, बहरहाल ही इज फ्रेंड ऑफ माइन। तो जब उनसे कॉल आई मुझे, कहा मियां साहब आपको पता है क्या हो रहा है, मैंने कहा जी क्या हो रहा है, उन्होंने कहा ये जो है ये कोरोना वरोना मत समझना कि ये कोई लॉकडाउन जो है 1-3 दिन का होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 दिन का अनाउंस किया था, ना ये 1 वीक का होगा। मैंने कहा जी जन साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा भाई ये चलेगा मंथ्स एंड मंथ्स। अच्छा ठीक है जी। खैर 20 मार्च आ गया, लॉकडाउन हो गया, दफ्तर गए वापस आ गए, फैक्ट्रियां बंद, घर बंद, दुकानें बंद, मार्केटें बंद, ट्रैफिक बंद, पूरे मुल्क में तालाबंदी, क्या करें। वापस आया तो मैं घर में बैठ गया, बेड पर लंच किया, उसके बाद सोचना शुरू किया कि या अल्लाह क्या बनेगा,
मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन है नेटफ्लिक्स पर बैठकर मुख्तलिफ किस्म के सीरियल देखूं, यूट्यूब पर बैठकर प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के मुताबिक अर्दगाल देखूं, या पबजी खेलूं, उसके साथ साथ स्मार्टफोन पर, दीज आर द फैक्ट्स, स्मार्टफोन पर वो डिजिटल लूडो आ गई है, अभी तो शायद उसका पार्ट टू भी आ गया है, सो वो खेलूं। थोड़ी देर में अंदर से आवाज आई कि मियां साहब क्या सोच रहे हो। अच्छा ये मैं मियां साहब भी तभी बनाऊं, सारे सुन ले कि पैसे वाला हो गया, वरना अच्छा, मुझे अच्छा, भी अच्छा। ओए छोटे इधर आ, किसकी अच्छा, बात हाँ, हाँ। ओ वाला थी, ओ छोटो जी ओदी गल की है, कोई और गल करो। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, वी ऑल शुड अंडरस्टैंड, ताकि जो आपको ज्यादा मियां साहब कर रहा है ना, आपको समझ में आए कि ये क्यों कर रहा है, आप उसकी अच्छा, बात अच्छा, तक पहुंच सके। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ सर। बहरहाल जब ये सोचा गया तो आई सेड नहीं, दुनिया में दो चीजें सबसे कीमती हैं डॉक्टर साहब, एक आपकी सेहत जी, और दूसरा आपका वक्त जी, जी जी सेहत और वक्त सबसे कीमती चीजें हैं। सो हम चूंकि सेल्फ मेड लोग हैं, बचपन से आदत है, तो सोचना शुरू किया क्या करें। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह हर जगह मदद करता है। हमारे एक दोस्त ने कॉल की और कहा कि मियां साहब कल एक वेबिनार है, आपने उसमें आना है। अमार जाफरी साहब हैं, बड़े सीनियर नाम है उनका, बड़ा बहुत चीजों में नाम है, आप लोग शायद कभी देखा हो सुना हो, ये वेबिनार के बहुत शौकीन है वो। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा जी ये वेबिनार क्या होता है, उनका जूम मीटिंग मियां साहब। मैंने ये जूम मीटिंग वो जिसमें डब्बे डब्बे बने हुए होते हैं, सब नजर आ रहे हैं। मैंने भाई ये तो जो है वो लीडर साहिबान, मैं नाम नहीं लेता, वो करते हैं अपनी पार्टियों से, आप मुझे किधर फंसा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं 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 टॉपिक बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्या टॉपिक है, कि COVID-19 में प्रेजेंट सिचुएशन दुनिया में क्या है, चाइना में, डेवलप्ड वर्ल्ड में, और पाकिस्तान में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट अट्रैक्ट्स मी अलॉट। मैंने कहा ठीक है। शाम को जब पहली दफा नेक्स्ट डे लॉकडाउन में, सेकेंड डे ऑफ लॉकडाउन, मैंने जिंदगी का पहला वेबिनार अटेंड किया, और जब मुझे वहां पर उसमें लोग नजर आए, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, अमेरिका से, न्यूयॉर्क, मुख्तलिफ सिटीज, जैसे बहुत सी दुनिया के लोग बैठे हुए थे, सबसे अच्छी चीज लगी कि उन दिनों में मिलानो में, इटली में, और वो जहां पानी होता है, कौन सी जगह होती है वो, वीनस जी मैं गया हूं वहां, वीनस, वहां से जो बताया गया कि वहां बहुत ज्यादा COVID-19 है, और मैड्रिड से एक लेडी ने बाहर दिखाया कि ये देखें यहाँ सिचुएशन ये है, तो आई लर्न अ लॉट। आई सेड ये तो बड़ा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स इस वक्त वेबिनार्स है, और इजीएस्ट वे अपने इल्म को आगे पहुंचाने का वो वेबिनार है। क्या पता, मैं ये कहता हूं, मैं ये जो अपना वक्त दे रहा हूं, एक बच्चा आप सब में से, आप मेरे बच्चों की जगह पे हैं, वो अगर कामयाब हो गया मेरे इन चंद जुमलों से, तो मैं समझता हूं कि शायद यही मेरी बख्शीश का बायस बने। दिस इज व्हाट थिंग्स आर। खैर जब वो रात को मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया, 16 कंसेक्टिव घंटे में बैठा रहा लैपटॉप के सामने, और अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि दिस इज द टर्निंग अराउंड ऑफ द वर्ल्ड। वो जो कहते हैं कि दुनिया बदलेगी, मैं कहता हूं कि दुनिया बदल चुकी है 180 डिग्री। 2019 की दुनिया और थी, मार्च 2020 की दुनिया और थी, और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 2020 द स्पीड ऑफ द वर्ल्ड is going to be many fold. Those who are going to enter in this world, they would definitely be the part of it. Jo nahi iske andar aayenge, isko ignore karenge. It's not the matter to make money. It is the matter to be the part of the coming era, the part of the future. So those who are really serious to make their future better,
they should think their tomorrow sitting in today's environment, today's era, today's technology. और जो लोग नहीं इस तरह चलेंगे वो आने वाले वक्त में क्या तरक्की करेंगे? खैर, मैंने सीखना शुरू किया, डिजिटल वर्ल्ड का सामने आया, ये तो डिजिटल वर्ल्ड है, अच्छा जी। फिर मुझे पता लगा, मैं आपकी तरह कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा, जस्ट इन फ्यू वीक्स आई अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली डिजिटल वर्ल्ड इज, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। It's not only the big data, it's not only the cyber crime, ये artificial intelligence की बात नहीं हो रही, इसमें digital marketing की बात नहीं है, ये जो आपकी web designing है सिर्फ उस पर ही नहीं है, ये digital mining तक ही नहीं है, blockchain भी नहीं है इसमें सिर्फ, there are lot many things which are yet to come in front of anybody, this is what, खैर बढ़ना शुरू किया, चीज सामने आई कि क्यों ना इस डिजिटल वर्ल्ड में मैं, प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों आगे नहीं जा सक रहे हैं? आप जैसे बच्चे बच्चियों ने दुनिया में मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं सिर्फ एक बिटकॉइन से, और 6 हफ्ते पहले मैं बिटकॉइन को नहीं जानता था, मार्च 20 से पहले मुझे बिटकॉइन का कुछ पता नहीं था, मेरी फील्ड नहीं है जी, जबरदस्त, मैंने कहा सर माशाल्लाह ग्रेट लर्नर, लेकिन मैंने ये जरूर देखा, ये जरूर पढ़ा है कि एक सक्सेस स्टोरी उसमें ऐसी है कि 22 साल की उम्र में शुरू होता है और 28 इयर्स की उम्र में जाकर वो बिलियन डॉलर मैन बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल माइनिंग ऑफ बिटकॉइन। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, बट हैविंग हिज ओन लैंडिंग स्ट्रिप, Having his own island, 6 साल में आप अमीर तरीन आदमियों में आ जाते हैं, कैसे? Because you are doing what, which is the work of today, rather tomorrow. कि आज अगर हम गिनते हैं कि 7 अरब से प्लस की आबादी है, उसमें से कितने लोग हैं जो ऐसे करते हैं? आप सब कर सकते हैं, करें उतनी मेहनत, आए उस ट्रैक पे, अपने माइंड को उतना फास्ट बनाए, सोचें बैठ करके आने वाला वक्त कैसा होगा, आप भी कमा सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। खैर, जब मैंने ये देखना शुरू किया कि मेरे कौम के बच्चे बच्चियों का क्या कसूर है कि बिटकॉइन पाकिस्तान में एक सब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर बैन कर दिया गया, डिजिटल माइनिंग बैन कर दी गई, Somebody is there now. The reason was only this thing, जो अफसराने बाला हैं, उनकी समझ ही नहीं है। तो माजरत के साथ, जिस कौम के पॉलिसी मेकर्स गूंगे बहरे होंगे, उस कौम में पॉलिसियां, उस कौम के लिए पॉलिसियां क्या बनेंगी? वेरी सॉरी टू से, जहां पर एक डॉक्टर को एजुकेशन मिनिस्टर लगा दिया जाता है और एक उस्तानी को हेल्थ मिनिस्टर फेडरल लगा दिया जाता है, तो क्या होगा? क्या हम ये भी नहीं कर सकते कि उस्तानी को एजुकेशन मिनिस्टर लगा दें और ये टीके लगाने वाले डॉक्टर को जो है वो मेडिकल का शोभा दे दें? ये भी नहीं हम कर सकते। बहरहाल चले, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और मैंने अपने लोगों को थोड़ा थोड़ा कहना शुरू किया, बिकॉज हमारा सेशन नहीं हुआ था। इतने में ऑपोजिशन ने अनाउंस किया, हम किसी किस्म का कोई वर्चुअल सेशन नहीं करेंगे। आई सेड कि ठीक है, सबने बायकॉट कर दिया, गवर्नमेंट वांट टू डू दैट। 2.5 महीने से बदकिस्मती कौम की कि उनके कौम के लीडर्स उस वक्त में जब पॉलिसीज मिनट बाय मिनट जरूरत है, इकट्ठे ही नहीं हुए, किसी एक डिसीजन पर ही नहीं आए, कोई कलेक्टिव विजडम ही नहीं आई। डॉक्टर साहब, हम वो बदकिस्मत कौम है कि किसी को नहीं पता हमारे फैसले कहां होते हैं, पॉलिसियां कहां बनती हैं। दिस इज द फैक्ट। आगे चलते हैं सर, फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा इसको। मैंने जदोजहद जारी रखी, आप निकाल कर देख लीजिएगा डिक्शनरी, उसमें आपको दो लफ्ज नहीं मिलेंगे, डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल सेनेटर।
मैंने अपने सेनेटर्स को इकट्ठा किया, फर्स्ट वेबिनार ऑफ सेनेटर्स मैंने करवाया। देन आई स्टार्टेड सेइंग दिस थिंग, मेरे नाम के साथ अभी भी आपने सेनेटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ डिजिटल सेनेटर होता है, भारत नो प्रॉब्लम, वैसे मैंने देखा नहीं था, मेरी मिस्टेक है। सो उसके बाद ये हुआ जनाब, जब मैंने ये सारी चीजें आगे लेकर चला तो काफी कुछ सीखने लगा, तो मुझे रेहान अल्लाह वाला साहब मिले, उन्होंने कहा कि आप अपना इस पैगाम को आगे पहुंचाना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, तो आप एक अपना डिजिटल सेनेटर शो शुरू करें। मैंने कहा ठीक है, सेनेटर शो शुरू कर, उन्होंने सेनेटर शो कहा, मैंने कहा जी इसको डिजिटल सेनेटर शो बनाते हैं। इस तरह हमने डिजिटल सेनेटर शो के लिए आगे, वो बैठे, उन्होंने थोड़ा सा समझाया, उसके बाद वो डेफिनेटली उन्होंने कहा आप इंटरव्यू लोगों से करना शुरू कर दें। अच्छा जी, खुद भी इंटरव्यू देने लग जाएं, उनके बहुत से लोग हैं, मुझसे इंटरव्यू के लिए कहा गया। वो तीन चार दिन के बाद मैंने उन्हें, उन्होंने मेरा एक प्रोग्राम देखा तो मुझे कहा कि मैंने आपको इंटरव्यू देना है। मैंने कहा ठीक है। वो मेरे इंटरव्यू में आते साथ मुझे पूछते हैं कि यार मैंने तो आपको ये चीजें नहीं बताई थी, ये आपने कहां से सीखी, आपने किसी और से भी रब्ता किया है? मैंने कहा जी नहीं। फिर आप वो कैसे आई? मैंने कहा जी वही जो दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद है, कि कौन है? चाचा गूगल, मेरा चाचा गूगल। हंस पड़े। मैंने कहा मैं तो किसी से नहीं पूछता, मैं चाचा गूगल से पूछता हूं, वो मुझे सही साइट पर लेकर जाता है या यूट्यूब पर लेकर जाता है। खैर, उसके बाद मैंने कहा जी अब तो मुझे पता लगा कि चाचा गूगल के साथ साथ मेरी चाची भी आ गई है। मैंने कहा जी वो क्या मतलब? मैंने कहा जी वो बड़ी आसान बात है कि एक सेकंड सर मैं बताता हूं आपको। हाय सीरी, हाउ आर यू टुडे? आई एम हैप्पी टू बी हियर। दिस इज, ये मेरी चाची गूगल है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? Boris Johnson is the Prime Minister of the United Kingdom. Who is the President of America? Donald Trump is the President of the United States. ये मेरी चाची है जी। दूसरा, थोड़ा सा मैंने और पढ़ा तो पता लगा कि इनकी तो अभी फैमिली बन गई है। They are Google Apps. Then I learn. वैसे ही मुझे शौक है पुराना, आप मेरा फोन देखिए और ऑल दीज एप्स आई यूज बाय माई सेल्फ। तो भे ये भरा हुआ है मेरा फोन सर, ये तस्वीर नहीं आ रही, सॉरी कुछ इशू है, बट कोई 10-12 पेजेस हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, सारे ऐप माशाल्लाह हर तरह के इसमें मौजूद हैं। बताने का मकसद है सर, जब ये शुरू किया तो फिर अल्लाह ने और मदद फरमाई। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ वे कि अब मैं, हमने पाकिस्तान का पहला B2B पोर्टल डिजिटल पाकिस्तान के नाम से शुरू किया है। 14 अगस्त को उसको हम अनाउंस कर रहे हैं और 14 अगस्त को हम डिजिटल पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन समिट करा रहे हैं। अब मेरा मिशन ये है सर कि 1 मिलियन छोटे कारोबारी लोगों को मैं डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर आऊं। दूसरा, आई वॉन्ट टू बी अ ब्रिज बिटवीन द पॉलिसी मेकर एंड एज वेल एज द टेक्नोलॉजी पीपल। दिस इज ऑल सर, ओवर टू यू। माशाल्लाह जनाब, जबरदस्त जनाब, इट्स अ मार्वेलस प्रेजेंटेशन और अल्लाह ताला आपको खुश रखे सर। आपने सारी की सारी बातें आपकी, और रेहान अल्लाह वाला साहब भी हमारे दोस्त हैं और वी आर वर्किंग टुगेदर, और बस सर ये मेरे, हम इस वक्त एज अ फैकल्टी मेंबर एट IBA, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, हम अनलर्न कर रहे हैं। जैसे आप माशाल्लाह आपके डिजिटल सेनेटर हैं, आप भी मुझे डिजिटल प्रोफेसर कह सकते हैं। आई एम ए लर्नर एंड, और मेरे लिए ये इस वक्त जो है, ये अनस साहब जो है, ये क्लास 12 के हैं गालिबन। कैन यू इमेजिन एनीबॉडी कैन कम टू IBA आफ्टर दिस सेंटर? कोई नाबीना है, कोई एनी बॉडी जिसके डिग्रेड है ना, वो हमारे पास भेज दे सर। जो दुनिया में किसी काम का निकम्मा है ना बंदा, वो हमारे पास भेज दे। हमारे सेंटर में राव साहब बैठे हुए हैं,
ये तलाश साहब बैठे हुए हैं, इनको सलूट करेंगे, मुस्कुराएंगे, चाय शाय पिलाएंगे, इनको दो तीन महीने अपने पास रखेंगे और अल्लाह के फजल से वो बंदा भागना शुरू कर देगा सर। दादा पोता आ सकते हैं, सास बहू भी आ सकती है। अच्छा, एक दो सवाल ले लीजिएगा प्लीज, मेरे पास टाइम कम है। आप ठीक है जी, सवाल ले जनाब, कोई सवाल फरह साहब है कुछ पूछना चाह रही है? फरह खान कराची से दो तीन सवाल खवातीन पूछने, दो तीन हमारे मर्द, दो चार यंगस्ट। जी जनाब, क्विक वन। अख्तर जावेद खान, आप कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? आपकी आपके वो आपने कोडिंग ही ठीक नहीं की हुई यार। कोई बात नहीं, आपके नाम को कोड करना होता है ना बच्चे। जी जनाब, क्वेश्चन अब्दुल्ला साहब आपसे बात कर रहे हो। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी सर, खवातीन सर सेशन एक तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। सर ये बताइए कि खवातीन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं जो आगे आ रही हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? बेटा मेरी गुजारिश सुनिएगा, ये जो डिजिटल वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, इट इज नॉट अ जेंडर बेस्ड। जी, इसमें कतई तौर पर कोई फर्क नहीं है। इसमें खवातीन के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यह है कि आपको किसी को मिलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने आने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने सिस्टम पर बैठे, ईमेल करें, अपने कोर्सेज अटेंड करें, और आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें, वेब डिजाइनिंग सीखें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें, ब्ला 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 ऑल थिंग्स, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स बनाएं और जहां दुनिया में आप डालना चाहते हैं डाल दें, आपको काम भी मिलेगा, ऑटोमेटिक लोग आपके पास आएंगे और डॉलर भी उन्हीं के साथ आएंगे। सो दिस इज द मैटर ऑफ द मोर एक्सपीरियंस्ड यू विल बी, द मोर बेटर मनी यू विल गेट। आगे चलिए सर। ख्वाजा अदनान साहब लाहौर से, प्यारे भाई जल्दी से अनम्यूट कर दें इनको। अब्दुल्ला अदनान साहब सवाल, उसके बाद इंजीनियर साजिद साहब सवाल तैयार रखें अपना। जी ख्वाजा अदनान जी, रबिया सिर्फ चार से पांच मिनट दे दे, मैं आ रहा हूँ। जी ख्वाजा अदनान आप मिस कर जाएंगे, उसके बाद इंजीनियर साजिद साहब कहाँ से हैं? पांच मिनट में आ रहा हूँ। साजिद साहब आप जी, वालेकुम सलाम, बोलिए बोलिए भाई। जी जी, मेरा ताल्लुक तुर्बत से, तुर्बत बलूचिस्तान। आप मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुर्बत जी, बताइए बोलिए बोलिए। आजकल सारा सारे मुल्क में जो रूल है वो है ही बलूचिस्तान वालों का है। सर तो आप बार बार डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल बात कर रहे हैं, तो हमारे पास तो बेसिकली इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करें भाई? बुरा तो नहीं मनाओगे? ये अभी आप मेरे सामने बैठे हो, आपके तो बात में ही कॉल होते फेल में फंसा था, ज्यादा आ गया। आप अभी सर, आप अभी सिस्टम में कराची में हो, मैं कराची में बैठ के आपको कॉल कर रहा हूं। मैंने मैंने यकीन कीजिए, ये प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है बार बार, जिस पर उन्होंने भी मुझे कहा कि मियां साहब अब आप डिजिटल सेनेटर बन गए हैं, अब आप खुद इस काम को कराइए। हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि किसी तरह जितनी जल्दी हो हम G5 पर आ जाएं, और मुल्क में कम से कम जो हमारा G3 का सिस्टम है, मिनिमम भी हर जगह के ऊपर वो अवेलेबल हो। जी नेक्स्ट। क्वेटा से अख्तर जावेद, क्वेटा से अख्तर जावेद, उसके बाद हमारा अपने टीम मेंबर अब्दुल्ला आखिरी सवाल पूछेगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं अख्तर, अख्तर मेरा नाम है, क्वेटा से बिलोंग करता हूँ। सर क्वेश्चन ये है कि आपने डिजिटलाइजेशन एंड उसकी जो बात की है, सर अब सुनने में तो ये आ रहा है कि पाकिस्तान में यूट्यूब भी बंद किया जा रहा है, मतलब नहीं बेटा, कमिंग डेज में। तो आप अगर मेरे पेज पे नहीं है, जरा सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अगर आप मेरे पेज पे हो तो जरा देख लीजिएगा जाकर, ये परसों जिस वक्त में, जिस दिन ये बात आई 3:30 to 4:15 ये बात हुई थी, ये सिर्फ एक समझे के न्यूज की हैसियत से आई। यस, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन में ये बात आई थी, ऑब्जर्वेशन नहीं थी, सिर्फ डिस्कशन में थी। मैंने 4:30 पाकिस्तान का अपर हाउस सेनेट में इसी के ऊपर बोला, और उसका फायदा ये हुआ कि पबजी भी नेक्स्ट डे जो है वो ओपन हो गया। जी बोलिए, आप बेफिक्र रहें, अल्लाह ने चाहा तो ये बंद नहीं होगा, अगर हमारी गलती ना हो। आगे बोलिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आखिर में मैं पूछ लूंगा प्लीज। अब्दुल्ला साहब पूछना चाह रहे सवाल?
मुल्तान से? नहीं सर, नहीं नहीं, ये तो ये तौकीर साहब हैं बकर से, ये पूछ लेते हैं। बकीर सर, अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक सर जी, तौकीर बोलिए सर। मैं बकर से बात कर रहा हूँ पंजाब से सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर आप कोई खान दे पिंड तो बोल रहे हो भाई जी? जी जी सर, रशीद अकबर खान दे पिंड तो। हाँ, मैं बड़ी बारी गया हूँ थे। कभी आए आपको मिलते हैं? अच्छा, जरूर मिलेंगे। आगे बोलिए सर। क्वेश्चन मेरा ये है कि सर को ईज ऑफ बिजनेस के लिए कुछ करें सर, यहाँ पर बहुत मसाइल हैं सर। छोटा सा कोई काम करना हो यहाँ धक्के खाने पड़ते हैं सर। कोई यहाँ पर कोई काम तैयार नहीं। जी सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के मुंह से अच्छा लगता है, हकीकत में कुछ नहीं है। जी सर, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए ना, जिन्हें रगड़ा खाओगे उन्हें पक्के होवोगे, जिन्हें पक्के होवोगे उन्हें बेहतर काम करोगे उन्हें ज्यादा पैसे कमाओगे। सो ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन वेज इन ऑल सर्कमस्टांसेस वट एवर द सिचुएशन इज। तो इंशाल्लाह आप अभी और आगे आ जाएं, फिर मैं आऊंगा। आज की दुनिया है ही डिजिटल वर्ल्ड में पैसे कमाने की है, तो थोड़ा सा मुख्तलिफ होकर काम करिए, सीखिए, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज अटेंड कीजिए। फॉरगेट अबाउट बड़ी बड़ी डिग्रियां, बिल्कुल अपने आप को कमांड ये बनाएं कि प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल काम करेंगे उतने ज्यादा कामयाब होंगे। जी लास्ट क्वेश्चन, 9:01 हो गया, वेरी सॉरी। अतीक साहब, हमारी एक गुजारिश ये है कि अगर एक दिन की वर्कशॉप हम 4-5 घंटे की वर्कशॉप इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप पर हम ऑफर करने को तैयार है। बेटा एक मिनट में आ गया, बस सिर्फ एक मिनट में। ओके जी जी, बोलिए बोलिए, मेरे गेस्ट आ गए हैं। 3-4 घंटे की एक मुफ्त वर्कशॉप हम सेनेटर्स को कराने के लिए तैयार है सर। हेंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा आए के ऊपर। डॉक्टर साहब, आप तो कराने को, वो कहते हैं कंबल मुझे नहीं छोड़ता, मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ। आप तो, आप जैसे तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत डेडिकेटेड लोग हैं। वो मेरे प्रोग्राम में नहीं आते, व्हाट टू टॉक ऑफ दी, वो आपकी सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में आएंगे कभी भी नहीं। बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो इंशाल्लाह अब मैंने अपनी टीम में लोगों को लाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट चंद महीने बाद हम आपको जरूर करेंगे, और जब आईबीए का नाम होगा तो डेफिनेटली जरूर। आई एम वेरी सॉरी फॉर टुडे, आज मैं आपको पूरा टाइम नहीं दे सका। इंशाल्लाह डॉक्टर नेक्स्ट टाइम जब भी रखेंगे बेहतर तरीके से करेंगे। सारे नोट ऑफ थैंक्स लिख दें भाई चैट बॉक्स में। नोट ऑफ थैंक्स टू सर, पंजाबी सिंधी बलोची अपने अपनी ज़बानों में लिख दो भाई। और बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम अतीक साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड हेल्पिंग आवर ऑडियंस। सबको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और आपके जवाब बहुत अच्छे थे। आपकी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है।